and Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Arts Science Commerce College for Women, Malegaon. This presentation is for TYBA subject Politics G3, Unit 5. The title of the paper is Political Ideologies. Dear students, today we will discuss about Marxism. Marxism, students, you know very well, it is the ideology which is prescribed by Karl Marx. In this presentation, we will see the introduction of Marxism. In this chapter, there are three units: historical materialism, theory of surplus value, and Marxian state. These three points we will discuss in detail in Unit 5 entitled as Marxism. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये तीनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी तारीखी तौर पर माध्यत परस्ती का फलसफा जो कार्ल मार्क्स ने डिस्क्राइब किया हुआ है. साथ ही साथ यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू देखेंगे कि जायद कीमत की जो फलसफा है, थ्योरी है, वो क्या है. कार्ल मार्क्स ने मार्क्सियन स्टेट में कैसी स्टेट चाहिए, कि देश में कैसा है जो है निज़ाम हुकूमत होना चाहिए, इसके बारे में पूरी स्टडी जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन. हेनरिक कार्ल मार्क्स वाज ए रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, दैट इज 1818 टू 1883. हम देखेंगे कि एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी देयर वाज कार्ल मार्क्स. इल्म समाजियात का जो एक्सपर्ट होता है वो सोशोलॉजिस्ट कहलाता है. तो उस वक्त 19th सेंचुरी में हमको एक बहुत ही फेमस सोशोलॉजिस्ट दिखता है जो कि कार्ल मार्क्स की शक्ल में हम देख रहे हैं. यहाँ पर ही प्रेजेंटेड सेवरल थेरीज, बुक्स एंड एसेज विच लेटर लेड टू सोशलिज्म. कार्ल मार्क्स ने पेश किया बहुत ही जो है अलग अलग थेरीज, बहुत सारी बुक्स लिखी, एसेज लिखे, जो के बाद में हम देखेंगे कि सोशलिज्म को बढ़ावा देने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये सारी चीज़ें. जो कुछ भी उसने रिसर्च किया, जो कुछ भी उसने लिखा, जो कुछ भी उसने बताया, इट इज़ द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म. मार्क्स वाज एक्सपोनेंट सपोर्टर ऑफ क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन पेटी बोर्जुआस एंड लंपेन प्रोलेटेरियट. कार्ल मार्क्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंट मीन्स नुमाया, सपोर्टर मीन्स हिमायत करने वाला, बहुत बड़ा हामी था ये. काहे का हामी था? क्रिएटिंग ए बैलेंस, बैलेंस कायम करने के लिए. किसके बीच में बैलेंस कायम करने के लिए? बिटवीन पेटिट बोर्जुआस. देखिए, देर आर टू क्लासेस इन द सोसाइटी एज वी कैन सी. वन इज लेबरर क्लास एंड सेकेंड इज द कैपिटलिस्ट क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट वी कैन से. तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्ल मार्क्स ने जो इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट हैं, जो मास्टर हैं, उनके लिए एक वर्ड यूज किया है बुर्जुआस क्लास. और जो लेबरर हैं, जो मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनके लिए कार्ल मार्क्स ने एक वर्ड यूज किया है प्रोलेट्रेट. यहाँ पे हम देखेंगे देर आर टू क्लासेस एज पर कार्ल मार्क्स. वन इज बोर्जुआस क्लास, दैट इज कैपिटलिस्ट क्लास, एंड सेकंड इज प्रोलेटेरियट क्लास, दैट इज लेबरर क्लास. तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि पेटिट बोर्जुआस और लंपेन प्रोलेटेरियट, यानी हम देखेंगे कि पेटिट बोर्जुआस यानी जिनके पास दौलत की भरमार है, पैसे की भरमार है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, और दूसरी तरफ उनके अपोजिट में लंपेन प्रोलेट्रेट हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय उनकी मेहनत के, सिवाय उनकी लेबर के, कुछ भी नहीं है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज लंपेन प्रोलेट्रेट बाय कार्ल मार्क्स. तो कार्ल मार्क्स ने दोनों के बीच में बैलेंस कायम करने की बहुत ज़्यादा हिमायत की कि देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन सर्वेंट एंड मास्टर. दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए. दस ही ओवरवेलमिंग ऑब्जेक्टिव द कैपिटलिज्म.
इसलिए उसने जो है जबरदस्त तरीके से ऑब्जेक्शन लिया किसके खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ, सरमायादाराना निज़ाम जिसमें देश का पूरा सरमाया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास ओनली। कैपिटलिज्म में यही होता है स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पर होता क्या है कि कैपिटलिज्म में तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेस ऑल आर इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट ओनली, और जो वेल्थ होगी देर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन कैपिटलिज्म। अब वर्कर को सिर्फ क्या दिया जाता है, उसकी मेहनत का पैसा, बाकी कुछ नहीं। मीन्स देर इज नो शेयर इन द प्रॉफिट इन कैपिटलिज्म। हिज वर्क लाइक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी रिवोल्यूशनाइज्ड द होल वर्ल्ड। कार्ल मार्क्स के बहुत सारा काम किया हुआ था, जैसे अभी हमने देखा तो उसने बुक लिखी, पेपर लिखा, बहुत सारी थेरीज बताई। तो यहाँ पर उसकी जो है कुछ बुक्स के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज द फेमस बुक ऑफ कार्ल मार्क्स विच इज डिस्क्राइब्ड एज द बाइबल फॉर मार्किस्ट और कम्युनिस्ट। इन लोगों के लिए बाइबल का दर्जा रखती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की बुक में उसने, कार्ल मार्क्स ने इतनी सारी चीज़ें लिख दी कि उसकी पूरी जो थेरी है उसका सेंट्रल और फोकल पॉइंट वो हमको दिखता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। यानी ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड अबाउट मार्क्सिज्म, अबाउट कम्युनिज्म इज अवेलेबल इन द बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये बुक जो थी दास कैपिटल भी इकोनॉमी के बारे में पूरी बात की है और पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सारे जो वर्क थे उसके इकोनॉमी से रिलेटेड इसने रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया था। रिवोल्यूशनाइज्ड मीन्स इनकलाब बर्पा कर दिया था इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया जो है वो कहना चाहिए बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज्ड हो गई थी। एंड कम्युनिस्ट वेयर ऑल मार्किस्ट इन नेचर। और हम देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिज्म के मानने वाले जो थे, एक्चुअली इन नेचर अगर हम देखें तो दे आर मार्किस्ट। मार्किस्ट और कम्युनिस्ट बोथ आर द सेम। उस वक्त जब कार्ल मार्क्स आया, कम्युनिज्म फल फूल रहा था, तो उसको जो है कम्युनिज्म की बहुत सारी चीज़ें वो मार्क्सिज्म में मिलती है हमको। तो कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म बोथ आर द सेम थिंग आफ्टर कार्ल मार्क्स। द थेरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी रिटन बाय कार्ल मार्क्स। अभी हम देखेंगे कार्ल मार्क्स ने जो बुक लिखी पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की, उसमें जो है हम देखेंगे कि उसने एक थेरी बताई, थेरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जायद कीमत का फलसफा। ये थेरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में आपको आगे एक यूनिट है इससे रिलेटेड, उसमें जो है मैं डिटेल में बताने वाली हूँ बच्चों। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि कार्ल मार्क्स की बुक में पूरा ये थेरी डिस्क्राइब की गई है। कार्ल मार्क्स थेरी ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, आगे और भी थेरीज हैं जैसे कि क्लास कन्फ्लिक्ट। क्लास कन्फ्लिक्ट मीन्स टकराव दो क्लासेस का इन द सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स देर आर टू क्लासेस, वन क्लास इज बोर्जुआज क्लास दैट इज मास्टर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड सेकंड वन इज प्रोलेटरेट क्लास दैट इज सर्वेंट्स वर्कर्स लेबरर्स। तो इनके जो है क्लास कन्फ्लिक्ट, दोनों के बीच में टशन टकराव तसादुम कन्फ्लिक्ट कंपल्जन कोवर्जन कॉन्ट्राडिक्शन इज कंटिन्यूस, वो जारी और सारी है। तो उसके बारे में उसने थेरी बताई। दूसरी थेरी बताई थेरी ऑफ अलाइनेशन। यहाँ पर हम देखेंगे थेरी ऑफ अलाइनेशन में उसने ये कह दिया कि भाई कैपिटलिस्ट लोग जो है हमारे लिए अजनबी हैं, इनको हमें किनारे कर देना है, और सिर्फ और सिर्फ देश का पूरा कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ईच एंड एवरी थिंग शुड बी इन द हैंड्स ऑफ वर्किंग क्लास ओनली। देयर विल बी नो कंट्रोल ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर्टिकुलरली। एंड थेरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थेरी ऑफ सरप्लस वैल्यू ज़ायद कीमत का फलसफा है, उसके बारे में भी कार्ल मार्क्स जो है उसने डिस्क्राइब किया। तो ऑल दीज थेरीज, कौन कौन सी थेरीज, थेरी ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट, थेरी ऑफ अलाइनेशन और थेरी ऑफ सरप्लस वैल्यू आर इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इंटर रिलेटेड मीन्स एक दूसरे से
जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मुंसलिक हैं। एज ऑल दीज थेरीज स्पीक अगेंस्ट द कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी थेरीज जो हैं, वो किसके बारे में बात कर रही हैं? दीज ऑल थेरीज आर स्पीकिंग अगेंस्ट कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म सरमायादाराना निज़ाम और मार्केट इकोनॉमी। मार्केट में जो मार्केट इकोनॉमी मीन्स हमारी मईशत में जो मार्केट है उसका बहुत बड़ा रोल है, तो उसके बारे में जो हम देखेंगे उसके खिलाफ भी ये लोग बात करते हैं, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी भी जो है सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों के पास है। तो ये सारी थेरीज ये कैपिटलिज्म जो है उसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रही हैं सारी की सारी थेरीज। द फर्दर डिटेल विल ओनली इलस्ट्रेट द मार्क्स थेरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। हम देखेंगे कि अगर हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में, हम इलस्ट्रेट करेंगे विथ एग्जाम्पल, आपको मैं बताऊंगी कि कार्ल मार्क्स की थेरी जो है सरप्लस वैल्यू की क्या है एंड इट्स वैलिडिटी इन द कंटेम्प्ररी अफेयर्स, और इसकी जो है वैलिडिटी, वैलिडिटी मीन्स लीगैलिटी, कानूनियत, वैलिड, देखिए टू थिंग्स आर देयर, वैलिड और इनवैलिड, इनवैलिड मीन्स इलीगल, वैलिड मीन्स लीगल। तो कंटेम्प्ररी अफेयर्स, असर हाजिर के जो मामलात हैं, अफेयर्स हैं, कंटेम्प्ररी अफेयर्स में कार्ल मार्क्स की सरप्लस वैल्यू की थ्योरी किस तरह से फंक्शन करती है वो हम आगे फर्दर जो है डिटेल देखेंगे। मार्क्सिज्म इज ए मेथड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस, मार्क्सिज्म जो है वो मेथड है, किसका मेथड है? सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस, सामाजिक और माशी सतह पे जायजा लेना, ये जो है मार्क्सिज्म जो है एक मेथड है जो सामाजिक और माशी सतह पे जायजा लेता है। ओरिजिनेटेड, जिसका आगाज हो गया, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मिड टू लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिड और आखिरी आखिरी दिनों में हम देखेंगे कि ये मार्क्सिज्म की शुरुआत हो गई। उस वक्त 19th सेंचुरी में वर्क्स ऑफ जर्मन फिलोसफर कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, वहाँ पर दो लोगों के काम जो है बहुत ज़्यादा फेमस थे जर्मन फिलोसफर्स के, पहला तो कार्ल मार्क्स और दूसरा फ्रेडरिक, फ्रेडरिक एंजल्स, दैट एनालाइजेज, और ये सारी चीज़ें जायजा ले रही थी क्लास रिलेशंस, क्लास मीन्स तबकाती रिश्ते मालिक और नौकर के, समाज के बहुत सारे क्लासेस के, उसके बारे में ये दोनों मिलकर जायजा ले रहे थे। एंड सोसाइटल कन्फ्लिक्ट, सोसाइटल मीन्स सामाजिक तौर पे जो तसादुम चल रहा था, यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए ए मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तारीखी सतह पे जो तरक्की हो रही है उसमें तारीख को बयान करना है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है, तशरी करनी है, तो मटेरियलिज्म को यूज़ किया गया। मटेरियलिज्म मीन्स माध्यत परस्ती का फलसफा, तो मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन, माध्यती तौर पे माद्दी तशरी की गई तारीखी डेवलपमेंट की, एंड ए डायलेक्टिकल व्यू ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, और डायलेक्टिकल व्यू पॉइंट से देखा गया सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक तब्दीली को, यानी हम देखेंगे समाज में तब्दीली आती है तो माद्यत परस्ती के फलसफे को देख के आती है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म विच इज डिस्क्राइब्ड बाय कार्ल मार्क्स इन डिटेल, तो टू जर्मन फिलोसफर थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, दोनों ने एनालाइज किया कि समाज में जो कुछ भी तसाव, तसादुम, टकराव चलते हैं, तजाद चलता है, उसमें सबसे बड़ा जो उन्होंने यूज़ किया जिस चीज़ को, दैट वाज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म विच इंटरप्रेट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये एक काम वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने किया। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ओरिजिनली यूज्ड, अभी देखिए मार्क्सिस्ट लोगों की आइडियोलॉजी
ओरिजिनली तौर पे तो क्या यूज किया कार्ल मार्क्स ने, तो उसने यूज किया इकोनॉमिक एंड सोशियो पॉलिटिकल इंक्वायरी। देखिए तीन चीजें उसने यूज करी, पहला है इकोनॉमिक इंक्वायरी, दूसरा सोशियो इंक्वायरी मीन सोशल इंक्वायरी, एंड थर्ड इज पॉलिटिकल इंक्वायरी। और इस तरह से इंक्वायरी करने के बाद उसने क्या किया, टू एनालाइज, जायजा लिया एंड क्रिटिक, फिर तनकीद की द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निज़ाम के ऊपर उसने फिर जो है जो फल रहा था फूल रहा था उसका डेवलपमेंट हो रहा था उसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म भी किया। एंड रोल ऑफ क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल यानी तबकाती जद्दोजहद, तबकाती स्ट्रगल उसका रोल क्या है कैपिटलिज्म में, मालिक और नौकर का झगड़ा क्या है, उसको जो है बहुत अच्छी तरह से उसने इन ए सिस्टमैटिक इकोनॉमिक चेंज, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिकली उसने जो है वो बयान किया। यानी यहाँ पे देखेंगे कार्ल मार्क्स की मेथडोलॉजी जो थी वो खास तौर से उसने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंक्वायरी की और क्रिटिसिज्म किया कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट के ऊपर। और उसने कहा कि कैपिटलिज्म जब तक रहेगा ये क्लास कन्फ्लिक्ट जो है वो इकोनॉमिक चेंजेस आने नहीं देगा सोसाइटी में। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट एनालिसिस, कार्ल मार्क्स ने जो एनालिसिस किया, क्लास कन्फ्लिक्ट विद इन कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म में तबकाती जो तसादुम है अराइजेस, वो उभरता है ड्यू टू किस वजह से, इंटेंसिफाइंग कॉन्ट्राडिक्शन, जब कॉन्ट्राडिक्शन यानी तसादुम टकराव तनाजे को इंटेंसीफाई किया जाए, इंटेंसीफाई करना यानी शिद्दत इख्तियार करना है ना, तेज तर कर देना, तो कॉन्ट्राडिक्शन को जब हम तेज कर देंगे, किसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन, बिटवीन हाईली प्रोडक्टिव मर्चेंडाइज्ड एंड सोशलाइज्ड प्रोडक्शन, जब बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और मर्चेंडाइज्ड, प्रोडक्टिव मीन्स पैदावार जो है बहुत तेज़ी से करने वाले, एंड सोशलाइज्ड प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रही है जो पैदावार हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज्ड है, जानकारी लेने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट में ला रहे हैं परफॉर्म्ड बाय प्रोलेटरेट, और ये प्रोडक्ट को जो है परफॉर्म किया गया अंजाम दिया गया बाय द प्रोलेटरेट, प्रोलेटरेट के ज़रिए कैपिटलिस्ट के ज़रिए, एंड प्राइवेट ओनरशिप, और प्राइवेट तौर पे जो ज़ाती मिल्कियत बताई गई प्रोलेटरेट की, एंड एप्रोप्रिएशन, और मुनासिब तरीके से तनासुब के साथ सरप्लस प्रोडक्ट, जो जायद प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू यानी प्रॉफिट की शक्ल में जब वो आता है बाय स्मॉल माइनॉरिटी, एक स्मॉल अकलियती सतह पे अगर हम देखें मुट्ठी भर लोग, अब प्राइवेट ओनर्स, जो प्राइवेट ओनर्स हैं मालिक हैं, कॉल्ड द बोर्जवाज, जिसको कार्ल मार्क्स ने बोर्जवाज क्लास नाम दिया है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमने लफ्जी मीनिंग देख ली, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हमने यहाँ बात कर दी, इन शॉर्ट अगर हम देखना चाहें तो कार्ल मार्क्स ने एनालिसिस किया कि क्लास कन्फ्लिक्ट कैपिटलिज्म में इस वजह से आता है कि जब बोर्जवाज क्लास जो के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है बहुत ही सिस्टमेटिकली सोशलाइज्ड मैनर में, उसका प्रोडक्ट तैयार होता है सिस्टमेटिकली, वो प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उस प्रोडक्ट की ओनरशिप उसके पास है, अब वो प्रोडक्ट जो है वो बेचता है, अब प्रोडक्ट बेचने के बाद मार्केट में उसके पास उसका सारा जो कॉस्टिंग है निकालने के बाद सरप्लस वैल्यू उसके पास बचती है, डेट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इट इज गोइंग इन द पॉकेट ऑफ मास्टर्स बोर्जवास क्लास। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो मुनाफा पूरा का पूरा मालिक की जेब में जा रहा है, तो दिस इज द मेन रीजन इन कैपिटलिज्म डेट
क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, यानी मालिक और नौकर के बीच का जो झगड़ा है, दो तबके अलग अलग जो बढ़ गए हैं, इट इज प्राइवेट ओनरशिप एंड सरप्लस वैल्यू द बेसिक रीजन इज प्राइवेट ओनरशिप, कि भाई फैक्ट्री कंपनी वो मालिक की मिल्कियत है और नौकर सिर्फ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेगा और सिर्फ उसकी मजदूरी दी जाएगी, मीन्स देयर इज नो शेयर इन द प्रॉफिट, वो जो सर्वेंट है उसका कोई शेयर वहाँ पे रहने वाला नहीं है। दूसरा हम देखेंगे एज द कॉन्ट्रडिक्शन बिकम्स अपेरेंट टू द प्रोलेटरेट, और ये कॉन्ट्रडिक्शन तसादुम तसाद जो है वो अपेरेंट है प्रोलेटरेट के लिए भी, सोशल अनरेस्ट, प्रोलेटरेट यानी लेबरर्स सर्वेंट्स उनके अंदर जो है सामाजिक फिर क्या आ जाती है अनरेस्ट, अनरेस्ट यानी बेचैनी बेकरारी, इस समाज में अनरेस्ट पैदा होता है बिटवीन द टू एंटागोनिस्टिक क्लासेस इंटेंसिफाइज कल्मिनेटिंग इन ए सोशल रिवोल्यूशन, ये जो दो क्लासेस हैं समाज में प्रोलेटरेट और बोर्जुआज इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन जो है क्लैश जो है वो इंटेंसीफाई होता है शदीदतर होता है, जिसका कल्मिनेटिंग मीन्स नतीजा ये निकलता है कि सामाजिक तौर पे सोशल रिवोल्यूशन आ जाता है, समाज में जो है वो अनरेस्ट पैदा हो जाता है और उथल पुथल होना शुरू होती है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि द इवेंचुअल लॉन्ग टर्म आउटकम ऑफ दिस रिवोल्यूशन, अब वक्ती तौर पे वाकयाती तौर पे इवेंचुअल अगर हम देखें वाकयात के एतबार से तो लॉन्ग टर्म लंबे अरसे तक कायम रहने वाला आउटकम नतीजा हमारे सामने आता है, इसका नतीजा दिस रिवोल्यूशन ये जो टकराव हुआ है इसका नतीजा हमारे सामने आता है और वुड बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म, और नतीजे के तौर पे ये दोनों क्लासेस जब टकराती हैं जब इनकलाब आता है तो एक नए वजूद का कयाम अमल में आता है और वो नई चीज़ है वो नया जो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज सोशलिज्म, सोशलिज्म यानी इश्तराकियत, मिलजुल के काम करना, मिलजुल के रहना, मिलजुल के चीज़ों को शेयर करना। तो जब जब मालिक और नौकर के बीच में टकराव होगा तब तब समाज में बेचैनी बढ़ेगी, जब जब समाज में बेचैनी बढ़ेगी तब तब इनकलाब आएगा और इनकलाब आएगा तो बहुत दूर तक जाएगा और उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक नए समाज का वजूद जन्म लेगा एंड दैट समाज दैट सोसाइटी विल बी द सोशलिस्ट सोसाइटी। अब सोशलिज्म में क्या होता है तो हम देखेंगे सोशलिज्म इज ए सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, ये सामाजिक और एक माशी निज़ाम है बेस्ड ऑन जिसकी बुनियाद है द सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या बुनियाद है इसकी सोशल ओनरशिप, सामाजिक मिल्कियत, समाज की मिल्कियत किसके ऊपर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पैदावार के जराए पर एंड डिस्ट्रीब्यूशन और बांटना पैदावार को बेस्ड ऑन वंस कंट्रीब्यूशन, एक फर्द का जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन होगा उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसके हिसाब से उसको मजदूरी दे एंड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्शन को जो है मुनज्जम किया जाए डायरेक्टली फॉर यूज के लिए। तो सोशलिज्म की थ्योरी जो है वो कहती है कि समाज में और मईशत में पहले तो बराबरी होना चाहिए और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है पैदावार के जो ज़राए हैं फैक्ट्री है इंडस्ट्री है कारखाना है वो जो है किसी एक की प्राइवेट ओनरशिप ना रहे, सिर्फ मालिक का उसके ऊपर कंट्रोल ना रहे बल्कि उसके ऊपर सोशल ओनरशिप रहे और समाज के सब लोग इक्वली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में काम करेंगे और एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हुई तो उसको ले आकर मार्केट में बेचेंगे और जो पैसा आएगा उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्सन, जिस जिसने पैदावार में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जैसे जैसे काम किया है वैसे वैसे उसको उस वेल्थ में से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे।
अब देखिए, कुछ लोगों ने बहुत काम किया, कुछ लोगों ने काम ही नहीं किया, तो जो काम नहीं किया उसको नहीं दिया जाएगा, पर जिस जिसने काम किया है एज पर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एज पर देयर एबिलिटी, उनको हमको उनका मेहनताना देना ही पड़ेगा उस वेल्थ में से जो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के बाद हमने कमाई है, और फिर जो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किए उसको डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। आगे कहते हैं कि एज द प्रोडक्टिव फोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू एडवांस। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रोडक्टिव फोर्सेस जो है, पैदावार की जो जराए हैं, ताकत है, टेक्नोलॉजी है, वो कंटिन्यूड जो है एडवांस हो रही है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देखोगे कि पुराने जमाने में जो हम देखते थे कि ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन वाज देयर, जैसे मालेगांव अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो मालेगांव में पावर लूम से पहले यहाँ पे हैंडलूम वाज देयर, एक हैंडलूम एक सर्वेंट, तो उसकी जगह जो है हैंडलूम की जगह क्या हो जाएगा, पावर लूम हो गया, पावर लूम हो गया, एक जो है तो 24 लूम का जो है पावर लूम का कारखाना खड़ा हो गया। अब क्या हो गया, प्रोडक्टिव फोर्सेस चेंज हुए, टेक्नोलॉजी चेंज हुई। कल एक लूम पर, एक हैंडलूम पर एक बंदा काम करता था, और 24 हैंडलूम पे 24 लोग काम करेंगे, लेकिन ये 24 लूम का जो खाता है, ये पावर लूम जो है 24 लगे हुए हैं, इसमें 24 के ऊपर 8 ही लोग काम कर रहे हैं, 4 ही लोग काम कर रहे हैं, यानी एक बंदा 8 पावर लूम आसानी से चला ले रहा है। अभी उसकी जगह जो है ये पावर लूम की जगह ऑटोमेटिक पावर लूम आ गए, टेक्नोलॉजी फिर चेंज हो गई, यानी क्या हो गया, अब 8 का काम जो है 24 लूम का खाता एक बंदा चलाएगा, यानी 8 में से 7 यहाँ पे सरप्लस हो गए, और फिर 24 में से जो है वहाँ पे भी सरप्लस हो गए, यानी धीरे धीरे मजदूरों का काम कम हो रहा है, यानी क्या हो रहा है कि अर्निंग सोर्सेस खत्म होते चले जा रहे हैं ड्यू टू प्रोडक्टिव फोर्सेस और टेक्नोलॉजी एडवांस जो हो रहा है। तो यहाँ पे सोशलिज्म और मार्क्सिज्म जो है उसके लिए अलग अलग उन्होंने स्टेजेस बताए हैं। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको पावर लूम से रिलेटेड बताई, उसी चीज़ को प्रोडक्टिव फोर्सेस जो चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है, उसके बारे में जो है कार्ल मार्क्स ने जो है क्या हाइपोथेसिस पेश किया, मार्क्स हाइपोथाइज्ड डायट, ये हाइपोथेसिस उसने बताया कि सोशलिज्म वुड इवेंचुअली गिव वे टू ए कम्युनिस्ट स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कार्ल मार्क्स कहता है कि सोशलिज्म जो है अगर वो रास्ता देगा समाज को चेंजेस होने के लिए, और समाज कैसा होगा, सोशल डेवलपमेंट कैसा होगा, कम्युनिस्ट स्टेज पे चला जाएगा। कम्युनिस्ट स्टेज पे यानी क्या, कम्युनिज्म में मजदूरों की हुकूमत होगी, यानी पूरे देश का कंट्रोल मजदूरों के हाथ में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मजदूरों के हाथ में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन मजदूरों के हाथ में, मीन्स होल एंड सोल पावर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ वर्कर्स एंड वर्कर्स ओनली, दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ कार्ल मार्क्स। अब ऐसा होगा तो क्या होगा, विच वुड बी ए क्लासलेस सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं क्लासलेस होनी चाहिए, यानी समाज में फिर कोई तबका नहीं रहेगा, कोई मालिक नहीं कोई नौकर नहीं, कोई मास्टर नहीं कोई सर्वेंट नहीं, कोई बोर्जुआज नहीं कोई प्रोलेटरेट नहीं, ओनली वन क्लास विल बी देयर विल बी नो क्लास, सिर्फ कंट्रोल जो है वो इनके हाथ में होगा। स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, स्टेटलेस यानी कोई हुकूमत नहीं होगी, सब मिलजुल कर हुकूमत करेंगे, सारे मजदूरों के हाथ में कंट्रोल दे दो, कोई स्टेट नहीं रहेगी। एंड ह्यूमन सोसाइटी, और एक इंसानी समाज, ह्यूमन सोसाइटी इरेक्टेड ऑन कॉमन ओनरशिप, और एक समाज जो इरेक्ट होगा वो ऐसा समाज होगा जो इंसानियत पर बेस्ड होगा, और कॉमन ओनरशिप होगी, पूरे समाज की ओनरशिप हमको दिखती है वहां पर, कि पूरा समाज मिलकर वो देश का कंट्रोल चलाएगा। एंड द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, और कॉमन ओनरशिप हो जाएगी, यानी प्रोडक्शन सब एक एक जगह आ जाएगा सबके हाथों में, तो फिर हर बंदे को फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी,
ये प्रिंसिपल जो है, ये उसूल जो है, वो हम फॉलो करेंगे समाज में। ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था कि हर बंदे को उसकी एबिलिटी के एतबार से वो पैसा दिया जाएगा, और टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ना सिर्फ एबिलिटी बल्कि ज़रूरत के मुताबिक भी, हर बंदे की ज़रूरत के मुताबिक उनको वो ज़रूरत पूरी की जाएगी। यानी इन शॉर्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि पूरी मार्क्सियन फिलॉसफी इज रिंगिंग अराउंड वन कंसेप्ट दैट इज नियर टू कम्युनिज्म। कम्युनिज्म यानी मजदूरों की हुकूमत, मार्क्सिज्म भी मजदूरों के बारे में ही बात कर रहा है कि कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ कॉमन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, एंड द सोसाइटी शुड बी क्लासलेस स्टेटलेस, एंड द बेस ऑफ सोसाइटी शुड बी ह्यूमन। ह्यूमन नेचर पे पूरा समाज की तश्कील होनी चाहिए। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स, हमारा ये इंट्रोडक्शन है कार्ल मार्क्स का। अगर ये इंट्रोडक्शन में आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, फील फ्री आस्क मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू, यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे।